शेर पूछ बंदर है और चेहरा देखो। दिल्ली जू जो कि दिल्ली के टॉप टूरिस्ट डेसिग्नेशन में से एक है, अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली विजिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में वो सभी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं जो यहां पर आने से पहले आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जैसे कि क्या टिकट्स है, टाइमिंग क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, क्या क्या फूडेबल आइटम आप अंदर ले जा सकते हैं, साथ में किन किन प्लेसेस को अंदर आप विजिट कर सकते हैं, किन किन एनिमल्स को आप देख सकते हैं, इसी तरह की काफ़ी सारी छोटी से लेकर बड़ी सभी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिल्ली जू के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के एनिमल देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें फेमस हैं ब्लैक बग, वाइट बग, चिंकारा, हिप्पो, राइनासोरस, और यहाँ पर अलग अलग तरह की बर्ड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि लाल मकाऊ, और यहाँ का वाइट टाइगर तो काफ़ी फेमस है, लोग बाग दूर दूर से वाइट टाइगर को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। सामने ही आपको पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी और ये पार्किंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये एंट्री का गेट है जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। तो अभी जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं ये है दिल्ली जू का पार्किंग एरिया। आज मंडे का दिन है, उसके बावजूद ही पूरा पार्किंग फुल है। ये गाड़ी की पार्किंग का एरिया है और इस साइड में बाइक्स की पार्किंग का एरिया है, ये भी ऑलमोस्ट फुल है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी लोग बाग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं और कितनी क्राउड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। पार्किंग चार्जेस की बात करूँ तो मैं फोर व्हीलर के यहाँ पर 50 रुपीज़ और टू व्हीलर के यहाँ पर 30 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं और फुल डे के लिए अपनी गाड़ी या बाइक को आप पार्क कर सकते हैं। दिल्ली जू एवरी फ्राइडे 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्लोज रहता है, तो अगर आप दिल्ली जू आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्राइडे को अवॉइड करें। दिल्ली जू के अंदर मेरे पीछे जो आप क्राउड देख रहे हैं ये उन लोगों की है जो ऑनलाइन टिकट्स बुक कर नहीं आए थे और यहाँ पर इनको ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो मेक श्योर अगर आप दिल्ली जू विजिट करने आ रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर ही आएँ, नहीं तो इस तरह की क्राउड आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आपका टाइम वेस्ट तो होने वाला है ही। साथ में दिल्ली जू की टिकट्स बुकिंग के लिए आप दिल्ली जू की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और एक सिंपल सा प्रोसेस है, 3 से 4 मिनट के अंदर आपका टिकट बुक हो जाएगा। वीडियो के अंदर भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं और आपका इस तरह से टिकट्स बनकर आ जाएगा। टिकट्स आपको 2 स्लॉटों में एंट्री होने वाली है, 8:30 से 12:30 और 12:30 से 4:30 के बीच में, और 80 रुपीज़ का टिकट होने वाला है। ट्रेन आपका बारकोड स्कैन होगा और फिर आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। अगर आप इस तरह का बैग अपने साथ लाते हैं तो यहीं पर क्लॉक रूम बना हुआ है और इस क्लॉक रूम में अपना सामान लगेज वगैरह आप जमा करा सकते हैं, जिसका कि 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। जमा कराने के बाद आप अंदर जा सकते हैं और ये यहाँ का एंट्री गेट है जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, अगर आप अपने साथ में फूडेबल आइटम्स लेकर आ रहे हैं तो वो अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि एनिमल्स हैं और वो एनिमल्स अट्रैक्ट करते हैं फूड को, तो फूड स्ट्रिक्टली बैन है यहाँ पर, फूड अलाउड नहीं है, फूड आप अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर आने के लिए टिकट्स प्राइस एडल्ट्स के 80 रुपीज़ का पड़ने वाला है, चिल्ड्रन का 5 to 12 ईयर्स के बीच में जो हैं बच्चे हैं उनका 40 रुपीज़ पड़ने वाला है, और सीनियर सिटीजन आपके साथ हैं तो उनका 40 रुपीज़ पड़ने वाला है। ये टिकट्स के प्राइस हैं और यहाँ पर आकर आप इस तरह से टिकट्स बुक कर सकते हैं। अभी जो सामने आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का मेन एंट्री गेट और यहीं से हम एंट्री करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं, तो दिल्ली जू का हमेशा से ही क्रेज रहता है और मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है दिल्ली के लिए। अभी एंट्री गेट है, यहीं से टिकट्स लेकर हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। अभी आप सामने देख पाएंगे तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वगैरह अपने क्लिक कराते हैं, तो ये काफ़ी मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर आइए और इस तरह के जो फ़ोटोज़ अपने क्लिक कराइए। दिल्ली जो विजिट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वॉक इन करके जाएँ या फिर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो भी साइड में स्टॉपेज बना हुआ है इसको पिक कर सकते हैं। और चार्जेस की बात करूँ तो मैं एडल्ट्स का 70 रुपीज़ चार्ज लेते हैं और 5 ईयर से 12 ईयर्स के बच्चे का 30 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। बिलो 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उनका कोई चार्जेस नहीं होता है, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप दिल्ली जू आइए और इस तरह के व्हीकल को ऑप्ट कीजिए और दिल्ली जू को एक्सप्लोर कीजिए। अभी ये जो स्टॉपेज पॉइंट आप देख रहे हैं इसी तरह के 12 स्टॉपेज पॉइंट कंप्लीट जू में आपको मिलने वाले हैं और इनको फॉलो करेंगे तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होने वाला है और आप इस तरह की जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है उनको ऑप्ट कर सकते हैं।
अभी आप सामने देख पा रहे हैं वहाँ से बोट स्टॉपेज वन है, जहाँ से लोग बाग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में बैठ रहे हैं। और थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक मैप दिखाई दे जाएगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है कि किस साइड में किस तरह के एनिमल्स मिलने वाले हैं। इस मैप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा और पर्टिकुलर एनिमल को भी आप ट्रैक कर पाएंगे। तो इसको फॉलो करें, इस तरह के काफ़ी सारे इंफॉर्मेशनल बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर हर एनिमल्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। सिक्का, हिरन, सांबर, गौर, छोटी बिल्लियाँ और भारतीय गैंडे, दरियाई घोड़ा, वो आपको सब कुछ इस साइड में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं इस साइड में। सो अभी हम आ गए हैं बोट स्टॉपेज टू पर, जहाँ पर आपको वाटर बर्ड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और वाटर बर्ड्स का एरिया ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के जो वाटर बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइन टेल्ड मकैक, बोनेट मकैक, पांडा हिरन, सिक्का हिरन और इसी तरह के 6 टाइप के जो एनिमल्स हैं वो आपको इस साइड में देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी लोग जा भी रहे हैं तो हम भी चलते हैं इन सब एनिमल्स को देखने के लिए। अभी आप जो सामने एनिमल देख पा रहे हैं इसका नाम है लाइन टेल्ड मकैक, यानी शेर पूछ बंदर। इसका फेस शेर की तरह दिखाई देता है और काफ़ी यूनिक सा ये एनिमल है। अगर आप अपनी फैमिली या बच्चे के साथ आ रहे हैं तो ये एनिमल आपको काफ़ी बेहतरीन लगने वाला है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाला है। खाना ढूंढ रहा है, हाथ मसल रहा है, देखो थोड़ा हल्का छोटा करो, हल्का छोटा छोटा करो, बस 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 ये ठीक है। अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है ब्लैक बग, और एक टाइम पर ये देश में से काफ़ी विलुप्त हो गए थे, बट अभी आपको काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पर ब्लैक बग देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा पास में जाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं भाई किस तरह के ये एनिमल देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम चलते चलते 3 स्टॉपेज हमने क्रॉस कर लिए हैं और 4th स्टॉपेज पर आ गए हैं, जिसका नाम है बोट स्टॉपेज 4। यहाँ पर आपको स्मॉल कैट्स दिखाई दे जाएंगी और काफ़ी तरह की जो बिल्लियाँ हैं, बिल्लियों से रिलेटेड जो प्रजातियाँ हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं इस एरिया में। तो इन जानवरों को दिखाते हैं और डिटेल इन एनिमल्स की आपके साथ शेयर करते हैं, साथ में काफ़ी सारे एनिमल्स और भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जू का ये वीडियो धीरे धीरे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। हो सकता है कि ये खाना खाने गई हो, क्योंकि तो टाइम हो रहा है 1 बजे का, ये खाना खाने गई है सारी सारी। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है कैट्स का एरिया और आपको यहाँ पर गोल्डन जैकाल देखने के लिए मिलेगा, जो वो पीछे की साइड में गोल गोल घूम रहा है और बच्चे काफ़ी बंदे देख भी रहे हैं इन सब को, तो बढ़िया जगह है। अभी जिस पॉइंट पर हम आ चुके हैं ये है भारतीय गैंडा और ये वन सींग वाला गैंडा है और वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा जूम करके दिखाते हैं और काफ़ी बड़ा जो गैंडा है। हमें दिल्ली जू की इस जर्नी को स्टार्ट किए अप्रोक्स 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे में हम बोट स्टॉपेज 6 तक पहुँच गए हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें यहाँ का मकाओ, लंबी चोंच वाले रंग बिरंगे ये फेमस हैं। तो अभी दिखाते हैं इन सबको आपको और कितना टाइम लगने वाला है ये भी सब दिखाने वाले हैं हम आपको। नाउ वी आर कमिंग वर्ल्ड बिगेस्ट पैरेट्स और ये हैं नीले मीले पकाओ। ओहो आवाज़ तो बड़ी खतरनाक आवाज़, और सामने आप दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ा जूम करके। ओहो ये चलेगा पक्का, नाराज हो। ये सेक्शन है वर्ल्ड बिगेस्ट पैरेट्स, ब्लू एंड येलो मकाओ, और ब्लू एंड येलो मकाओ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वो अपनी चोंच के सहारे ऊपर चढ़ रहा है।
अपनी चोंच के सारे चल रहा है, नीला पीला मकाऊ। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है मिलिट्री मकाऊ, और मिलिट्री मकाऊ इसका नाम इस वजह से पड़ा कि इसकी जो ड्रेस है वो मिलिट्री की तरह है। सामने देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, कलरफुल और पूरा ग्रीन ग्रीन। अब हम आ चुके हैं लाल और हरा मकाऊ के पास, और इसका जो कलर है वो रेड और हल्का सा लाइट ग्रीन है दिखाई दे रहा है, और कुछ खारा है यहाँ पर। अभी हम आ गए हैं बोट स्टॉपेज 8 पर, जहाँ पर आपको दरियाई घोड़ा देखने के लिए मिलने वाला है, और दरियाई घोड़ा इतना फेमस हो रहा है अभी यहाँ पर, इसका साइज इतना बड़ा है। लो बाग देखो कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस दरियाई घोड़े को देखने के लिए। तो हम भी दरियाई घोड़े को आपको दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं भाई, कौन कौन से जानवर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। पीछे हट जाओ, बाहर आ गया। दिल्ली जो आए हैं तो मगरमच्छ और शेर ना देखा हमने, तो क्या देखा। और अभी चलते हैं हम मगरमच्छ और शेर के एरिया में। चलो जी चलते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं मार्स क्रोकोडाइल के एरिया में, और मार्स क्रोकोडाइल बिल्कुल सुस्ती से सो रहे हैं। ये देखो जी, सोने दो इनको, और पब्लिक काफ़ी सारी है ही यहाँ पर। चलो बढ़ते आगे। अभी हम दिल्ली जू में एशियाई सिंह के पास आ चुके हैं, और लंबी लंबी दहाड़ मार रहा है उस साइड में। आप देखेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, और काफ़ी स्केरी लग रहा है, डरावना लग रहा है। परेशान है, बीमार है क्या है ये? खांसी हो रही है इसको लग रहा है। दोबारा करो, एक बार बंद कर दे। देख सकते हैं यहाँ पर मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखो मगरमच्छ किस तरीके से सुस्त सुस्त से पड़े हुए हैं नीचे। ऐसे लग रहा है क्लोन पड़ा हुआ है। अभी आपको इंडियन एलिफेंट, बबून, वाइट टाइगर, जैगुआर, ये सारे जानवर आपको इस साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। और आधे से ज़्यादा हम जू को कवर कर चुके हैं, और बाकी बचा हुआ जू भी अब हम कवर कर रहे हैं। जू के इस पोर्शन में काफ़ी सारे स्कूली बच्चे से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इंडियन एलिफेंट देखने के लिए मिल जाएगा, वो सामने दिखाई दे रहा है इंडियन एलिफेंट, और काफ़ी हैवी वेट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख कर। फाइनली हम आ चुके हैं बोट स्टॉपेज 11 पर, और यहाँ पर आपको जैगुआर देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी लोग जैगुआर देख भी रहे हैं, तो चलो जी अभी जैगुआर देखने के लिए चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ जैगुआर के पास, और जैगुआर के पीछे देखिए आप कितनी ज़बरदस्त लोगों की भीड़ लग रही है। लोग बाग जैगुआर को देखने के लिए उत्साहित हैं, और ये बिल्ली प्रजाति का, कैट्स प्रजाति का तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। काफ़ी देखने में स्केरी लग रहा है, तो चलिए अभी चलते हैं
देखने के लिए इसको। हमने दिल्ली जू की ये जर्नी अपनी स्टार्ट की थी अप्रॉक्स 10 बजे और अभी 2 बज चुके हैं। कंप्लीट दिल्ली जू का ये वीडियो फिनिश होने वाला है और अभी हम आ चुके हैं वाइट टाइगर के पास, जो यहाँ का सबसे फेवरेट है। अगर आप दिल्ली जू विजिट करने आते हैं तो वाइट टाइगर मस्ट विजिट करें। और आप देख ही रहे हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ आपको दिखाई दे रही है। आज मंडे का दिन है, फिर भी काफ़ी लोग बाग दूर दूर से इसको देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है वाइट टाइगर, काफ़ी डिस्टेंस पर है और जूम कर कर इतना नज़दीक से आप देख पा रहे हैं। ये दिल्ली जू की जान है और काफ़ी लोग बाग इस वाइट टाइगर को देखने के लिए ही दिल्ली जू में विजिट करने के लिए आते हैं, तो इस स्टॉपेज को आप मिस ना करें। अभी जो सामने आप रास्ता देख पा रहे हैं ये रेप्टाइल हाउस जाने के लिए रास्ता है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज्ड है और सर्दी सर्दी ये आपको नहीं देखने के लिए मिल पाएगा। सामने आप देख ही रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी हुई है कि रेप्टाइल हाउस अब सर्दी सर्दी बंद रहेगा और यहाँ से पता चला है कि ये होपफुली मार्च में ही आपको देखने के लिए मिल पाएगा, तो ये रेप्टाइल हाउस क्लोज्ड है अभी। अभी हम आ चुके हैं शुतुरमुर्ग पर, जिसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, और ऑस्ट्रिच वहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है और काफ़ी इसके पैर देखिए कितने ज़बरदस्त और लंबे और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए यहाँ पर और इन सब चीज़ों को आप इंजॉय कीजिए। दिल्ली जू का ये कंप्लीट एरिया 176 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर आकर आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एक थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए और अपने बच्चों को भी साथ में लाएंगे तो एक जो काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी क्वालिटी टाइम यहाँ पर आकर आप स्पेंड कर सकते हैं। दिल्ली जू हमेशा से ही सबका मोस्ट प्रेफरेबल रहा है, भीड़ को देख कर आप समझ ही गए होंगे। आज मंडे का दिन है, उसके बावजूद भी काफ़ी क्राउड आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। इसी तरह की क्राउड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहती है और संडे के दिन तो और भी ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस सामने देख सकते हैं ये शेर पूछ बंदर है और चेहरा देखो इसका। दिल्ली जू के अंदर आपको इस तरह के काफ़ी सारे फाउंटेन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो इसकी ब्यूटी को और इन्हेंस कर रहे हैं, साथ में एनिमल्स को भी आप देख पाएंगे। दिल्ली जू के अंदर आपको काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं और एक अपनी मेमोरी यादगार के रूप में आप रख सकते हैं। तो एक कम्प्लीट आउटडेटिंग का टाइम आपके लिए यहाँ पर देखने के लिए इस तरह का मिल जाएगा। काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और एक सेल्फी पॉइंट ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो यहाँ पर है। यहाँ पर भी लोग बाग काफ़ी सारे अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं और ये दिल्ली जू का एंड पॉइंट है। यहाँ पर इस साइड से एग्जिट हो रहे हैं हम और इस साइड से लोग बाग अभी भी आ रहे हैं, तो अभी 2:30 का टाइम हुआ है बट क्राउड काफ़ी अभी भी यहाँ पर आ रही है और इस तरह से दिल्ली जू को आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली दिल्ली जू का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के काफी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए कीप वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। आगे आने वाले समय में काफी सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और भी आने वाले हैं।